और राजनाथ सिंह जी का एक स्टेटमेंट बहुत, जिसको हम लोग सुनने के बाद हम लोग की आंखों में आंसू आ गया। राजनाथ सिंह ने एक बात बोला था कि इस देश के प्रत्येक युवा के अंदर ये जुनून होता है कि देश के फौजी का बनने का उसके अंदर एक वर्दी चढ़ जाए। सर लेकिन एक बात बता दो कि आप जो ये वर्दी की बात कर रहे हो उसमें हमारी क्या गलती थी सर? हम भी जवान थे, हम लोग की कब्र क्यों खोद दी गई सर? हमारी कब्र पे 7,000 लड़कों की कब्र एयरफोर्स की खोद के आप उस पर शहनाई बजा रहे हो, ये कहाँ तक जाए सर? क्या नाम है बाबू पूरा बताओ? मेरा नाम आशुतोष कुमार, पटना साइंस कॉलेज पटना विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं और साथ साथ एयरफोर्स के होने वाले फौजी भी थे। आप ही हैं जो सर, जो सरकार के द्वारा ये बात कहा जा रहा है कि 4 साल नौकरी के बाद आप लोगों को 12 लाख रुपया दे दिया जाएगा। आपको एक बात स्पष्ट कर दूं सर कि जब एयरफोर्स में या नेवी में या आर्मी में अगर कोई नया फौजी ज्वाइन करता है तो उसकी एवरेज सैलरी 40,000 से 45,000 रहती है, लेकिन जब जो लड़का अग्निवीर से जाएगा उसकी सैलरी 30,000 कर दी गई है। 21,000 इन हैंड मिलेगा, 9,000 रखेगा, तो जो 40,000 से 30,000 21,000 कर दिया गया है वही पैसा को जोड़ 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 के 12 लाख रुपया दे दिया जाए। 4 साल में रिटायरमेंट भी, अब 12 लाख रुपया भी, अब वही 12 लाख रुपया कह रहा है तो स्पेशल पैकेज है। ये बात वो समझ में नहीं आ रही है कि वो पैसा हमारा ही पैसा काट के 12 लाख रुपया दिया जाए। उसके बाद और क्या कीमत है में आप जाइए सलामी देने बचाइए सर, ये अडानी अंबानी को हाथ थोड़े सैल्यूट करेगा, तिरंगा को सैल्यूट देने जा रहा है। जब हर साल 2017-18 एक मिनट, केवल ये पूछा जा रहा है कि 4 साल बाद क्या करेगा, वो तो अलग है। पहले 4 साल बाद क्या करेगा उसका मतलब कि सोचा जाएगा, पहले हम लोग सारा क्लियर कर ले, पहले इसको वैकेंसी लीजिए ठीक है, और इस पे बार बार जो चेंजेस हो रहा है गलती है तभी तो चेंजेस हो रहा है सर। इस पे नए नियम आ रहे हैं, उसको नए वैकेंसी में इंप्लीमेंट कीजिए। कौन सा परीक्षा दिए थे सर? हम लोग की जो परीक्षा है वो एयरफोर्स की थी और हम लोग की वैकेंसी सर नवंबर 2020 में हम लोग एग्जाम दे चुके हैं एयरफोर्स का, उसको बोलते हैं स्टार इंटेक 01-2021। उसमें ये व्यवस्था जो नई आई है उससे कोई लेना देना नहीं था सर। हम लोग की भर्ती पूरी तरह फ्रेश हुई है, हम लोग का रिटन एग्जाम हुआ, फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, ऑल इंडिया रैंक 53, किसी का रैंक 200 है, हम लोग सभी लोग क्वालिफाइड हैं। 7,000 लोगों की मेरिट बन चुकी थी सर। जब घर में एक खुशखबरी आई कि लड़कों का एयरफोर्स में रिजल्ट हो गया है तो स्वाभाविक है गजनाथ सिंह जी, हम लोग का ये जो 2 साल से सर षड्यंत्र रचा जा रहा है हम लोग के साथ, 2 साल हम लोग को इसलिए रुकवाया गया कि कोरोना चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के चलते आप लोग का इनरोलमेंट लिस्ट डिले कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि सर आखिर हम लोग को आप गुमराह क्यों किए 2 साल? हम लोग का सर पटना में हर एक महीना 5,000 रुपये खर्चा होता है, हम लोग पढ़ पाते हैं, और उतने पैसे बर्बाद करने के बाद सरकार अंत में जब हम लोग शांतिपूर्वक धरना भी किए जंतर मंतर पे, फिर भी हम लोग की सरकार ने क्या कहा कि शांतिपूर्ण करने के बावजूद हमको भगा दिया गया। ऊपर से राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया था कि 1 महीना के अंदर भर्ती की प्रक्रिया चालू करा दी जाएगी, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि हम लोग के साथ धोखा किया जाएगा सर। हमारी फ्रेश भर्ती को अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम से इसके बहाने हम लोग को रद्द कर दिया गया। और राजनाथ सिंह जी का एक स्टेटमेंट बहुत, जिसको हम लोग सुनने के बाद हम लोग की आंखों में आंसू आ गया। राजनाथ सिंह ने एक बात बोला था कि इस देश के प्रत्येक युवा के अंदर ये जुनून होता है कि देश के फौजी का बनने का उसके अंदर एक वर्दी चढ़ जाए। सर लेकिन एक बात बता दो कि आप जो ये वर्दी की बात कर रहे हो उसमें हमारी क्या गलती थी सर? हम भी जवान थे, हम लोग की कब्र क्यों खोद दी गई सर? हमारी कब्र पे 7,000 लड़कों की कब्र एयरफोर्स की खोद के आप उस पर शहनाई बजा रहे हो, ये कहाँ तक जाए सर? हम लोग भी चाहते थे, हम लोग की एज एक्सपायर हो गई, हम लोग 21 साल प्लस हो गए, उतना आंदोलन करने के बाद, शांतिपूर्वक आंदोलन करने के बाद सरकार 2 साल एज बढ़ाती है, लेकिन वो 2 साल एज बढ़ाने से क्या होगा? फिर आज जो लिया गया निर्णय कि अब इन लोगों को मेडिकल, इन लोगों को जो है व्यवस्था प्रोवाइड की जाएगी, मेडिकल प्रोवाइड करने का जो छलावा दे रहे हो, आखिर बता दो कि 7,000 लड़कों का क्या होगा? और हमारी संख्या 7,000 है सर, आर्मी की मान लेते हैं कि 10,000 सैनिक के रिक्रूटमेंट होने वाला है, 15,000 सैनिक और उनके 5 घर के मेंबर, 75,000 लोगों का एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया है। तो सर हमारी समस्या ये, और आंदोलन जो ये हो रहा है इस आंदोलन में सबसे मुख्य भूमिका यही है कि हमारा दर्द शामिल है उस आंदोलन में। हम कितना देर तक आखिर सब्र का बांध बांधे रखें, कितनी देर तक हम अपने आप अपने संयम बरतें? राजनाथ सिंह जी भी बता दो कि अगर ये व्यवस्था हमारे लिए आप इम्प्लीमेंट करते हो गरीब के बच्चों के लिए तो आपका बेटा तो विधायक बन जाता है, आपका बेटा तो सांसद बन जाएगा, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाता है। हमारे पास योग्यता होने के बावजूद हमें दरकिनार करते हो, लेकिन अपने बेटे की योग्यता के पीछे तो कोई सवाल खड़ा करता है तो आप लोग चुप करा देते हो।
तो ये किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है लोकतंत्र के साथ, ये भगवान ही जानते हैं सर। और खास बात, मैं मीडिया से भी अपील करना चाहता हूँ सर, आज मीडिया इस बात को दबा रहा है, मीडिया अग्निपथ और अग्निवीर के नए स्कीम का समर्थन करने में इतना जुट चुका है कि आखिर उन लोगों को हमारे साथ। और एक बात लास्ट में मेंशन कर दूं कि ये जो हिंदू मुसलमान का जो ये लोग लेके प्रोपेगेंडा आए, ये हिंदू मुसलमान के प्रोपेगेंडा में जिस तरह से समाज को बांट के रेलवे, NTPC, BSNL सबको LIC बेचने के बाद, अगर आज हिंदू मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आज अगर डिफेंस बिक गया तो ये इन लोगों की लास्ट कड़ी है। अगर डिफेंस भी बेचा गया तो अब देश की कोई भी सरकारी संस्था नहीं बचेगी, ये मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ।